हैंडल रोफेल गांधी, जो कि अपने व्यंग्य ट्वीट्स के लिए जाने जाते हैं, उन पर बीते दिनों एक आरोप लगाया गया। दरअसल कई राइट विंग यूजर्स अदालत के फैसले की कॉपी का लिंक शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये पैरोडी ट्विटर अकाउंट चलाने वाले सुनील शर्मा बलात्कार के मामले में आरोपी थे। न्यू ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट करते हुए यही दावा किया। वहीं अक्सर सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां शेयर करने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ये ट्वीट रीट्वीट किया। देखते ही देखते कई यूजर्स ने ये दावा ट्वीट किया। हालांकि सोशल मीडिया पर किया गया ये दावा सच से कोसों दूर है। रोफेल गांधी ने ट्वीट करते हुए तेजिंदर पाल सिंह बग्गा से कहा कि वो इस मामले को हरिनगर पुलिस स्टेशन से वेरीफाई कर ले, जहां पर ये FIR की गई थी। आगे इस मामले के बारे में तफ्तीश करते हुए ऑल्ट न्यूज ने इस हैंडल के एडमिनिस्ट्रेटर सुनील से कांटेक्ट किया। उन्होंने हमें अपना आधार कार्ड भेजा। इस डिटेल को मामले के आरोपी सुनील शर्मा की डिटेल से कंपेयर किया तो हमने पाया कि इन दोनों के पिता के नाम और पते अलग अलग है। वहीं एडिशनल सेशन जज के फैसले को पढ़ने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि साक्ष्यों के मुकर जाने की वजह से घटना के आरोपी को बाद में बरी कर दिया गया था। हालांकि इस पूरी छानबीन से ये बात साफ हो जाती है कि राइट विंग यूजर्स गलत दावा कर रहे हैं कि रोफेल गांधी हैंडल चलाने वाले सुनील बलात्कार के मामले में आरोपी है। असल में ये कोई दूसरा व्यक्ति है जिसे बाद में कोर्ट ने बरी कर दिया था।